हूँ निशान भाई और आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। जैसा कि मैं जब भी चैनल के स्क्रीन पर आता हूँ तब आपके सामने एक नया विषय लेकर आता हूँ। आज भी एक आपके सामने मैं एक नया विषय लेकर आया हूँ। वैसे तो देश अभी आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, फिर भी देश की अर्थव्यवस्था स्थिर है ऐसा हमें बताया जा रहा है। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है और ऐसी परिस्थितियों से हमारा देश आज गुजर रहा है। राज्य की बात करते हैं, राज्य में इन दिनों यात्राओं का दौर चल रहा है जिसके चलते सत्ता और विपक्ष यात्राओं से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जिसके चलते राज्य की भोली भाली जनता का ध्यान यात्राओं पर केंद्रित है और इस देश को लूटने वाले लुटेरे चंद व्यापारी देश को लूट रहे हैं। साल 2018-19 में किसानों को फसल काफी अच्छी हुई है जिसके चलते सरकारी खजाने में धान बड़े पैमाने पर जमा हुआ है और इसी धान की पिसाई कर चावल जमा करने के लिए मिलर्स भी बड़े पैमाने पर तैयार है। आखिर क्यों मिलर्स सरकारी धान पीसने के लिए इतने उतावले होते हैं? क्या है इसके पीछे की वजह? जानने का प्रयास किया तो मामला कुछ और ही सामने आया है। वो आगे वाला सेठ मेरे पास तो बात कर रहा था। ये कहाँ से लाए तुमने? नांदूरा से। कहाँ भरे ये? हमारी गाड़ी है खामगांव की। खामगांव की गाड़ी? हाँ, खामगांव से हमारी गाड़ी है। नांदूरा है 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर तो वहाँ से क्या राइस मिल से भरे क्या ये? नहीं नहीं, हाँ गोदाम से। गोदाम से? सरकारी गोदाम का? हाँ सर। अच्छा, जैसा कि आपने देखा चावल सरकारी गोदाम से 12 रुपए प्रति किलो खरीद कर अपने मिल में लाकर जूट की बोरी में बदलकर सरकारी गोदाम में लाट पटाए जाते हैं। इस मामले पर आदिवासी विकास महामंडल के अधिकारी पर फोन पर चर्चा की तो क्या कहा उन्हें देखिए। सारे लोग रिसाइकलिंग कर रहे हैं, यानी मान के चलो कि ये अभी धामनगांव, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश और पंजाब, यहाँ ये पूरा मैंने स्कैम निकाला है। ये पूरे लोगों के यानी के दो दलाल है गोंदिया में, वो इसको डायरेक्ट झिल्ली पैकिंग में यानी वो व्हाइट वाली पॉली बैग में डायरेक्ट गोडाउन से, गवर्नमेंट के गोडाउन का माल है। और ये जो चावल है ना अभी, वो उसके बाद ये लोग अपने मिल में लाते हैं, खाली करते हैं, उसको जूट में डालते हैं और डायरेक्ट फिर वो वखार महामंडल में देते हैं और फिर तो वो नहीं, वो जो चावल का मैसेज रहता ना, हाँ उसके बारे में वो नहीं नहीं बराबर, हाँ नहीं वो तो हैंडल खर्चे साहब की तरफ होता है, लेकिन बताया कि आपका जो धान है, जो आपने इनको जो धान दिया वो धान डायरेक्ट ओपन मार्केट में बेच दिया गया। अच्छा अच्छा, किसी का भी मिलिंग हुआ नहीं है। एक अगर एक मिल की 2 टन की कैपेसिटी है तो उसको 1.5 दिन लगता है। अब वो 1.5 दिन जिसको लगेगा वो कम से कम हफ्ते में लॉट पटाएगा आपके 3, यहाँ 7 लॉट पटाए जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो इसमें क्या हो गया कि वो रिसाइकलिंग वाला चावल है ये, उसका ये हो गया। उसके बाद ऐसे चावल लेने का काम किसका है या रिसाइकलिंग है या कौन सा है? हाँ, चावल लेने का काम किसका है? DSO का है। बराबर, लेकिन आप सुनो ना, आपने वो तो देखो, आप उसने लाट पटाया, लाट पटाने के बाद आपके तरफ उसका बिल आना चाहिए MSEB का, कितना यूनिट जला करके, क्योंकि एक क्विंटल के पीछे शायद उसको 1.5 यूनिट लगता है चावल अगर मिलिंग कर रहा है, तो उसके बाद ही आपका DO निकलना चाहिए ना उसका। अगर मेरे को बताओ, अगर मेरा धान है बाहर, हाँ बराबर है, अगर मैं ये यूनिट का लफड़ा देखते रहूँ तो साला मेरा धान बिक जाएगा। हाँ नहीं, धान मगरिब लॉट में क्या होता है, अगर जल्दी मेरे पास आती है चावल की, हाँ तो मेरे को तो धान देना ही है। नहीं, आपने धान दे दिया उसको, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, मेरा वही कहना है कि ये इस तरीके से कारोबार चल रहा है, देखता है ना, देखो उसको। यह है आदिवासी विकास महामंडल के सुरेश आंबटकर। इस पूरे मामले की पड़ताल की जब हमने तो जानकारी मांगी तो और ही कुछ जवाब मिला। पूरा मामला देखते हैं। आदिवासी विकास महामंडल से और DSO की ओर से राइस मिलर धान मिलिंग के लिए लेते हैं, लेकिन धान की मिलिंग कराने की बजाय सीधे तौर पर सरकारी गोदाम का धान ओपन मार्केट में 2300 रुपए प्रति क्विंटल ओपन मार्केट में बेच दिया जाता है और राशन में सरकारी स्कूलों में दिया जाने वाला चावल 1200 रुपए प्रति क्विंटल खरीद कर वापिस सरकार को दिया जाता है, जिसके चलते राइस मिलर्स को सरकारी गोदाम से धान अपने मिल तक लाने का भाड़ा मिलता है और एक क्विंटल धान के पीछे 69 किलो चावल देना पड़ता है।
जिसमें मिलर्स को 29 किलो मुनाफा होता है और सरकारी रेट के हिसाब से उसे मिलिंग भी मिलती है, यानी लगभग एक क्विंटल धान मार्केट में बेचकर 1100 रुपए का मुनाफा होता है और एक क्विंटल का भाड़ा लगभग 150 रुपए मिलता है मिलर्स को, और मिलिंग के एक क्विंटल के 29 रुपए मिलते हैं अलग से। मिलर को एक क्विंटल धान के एवज में 69 किलो चावल देना पड़ता है, जो कि लगभग 828 रुपए का ही चावल होता है, यानी एक क्विंटल धान के पीछे 1200 रुपए 69 रुपए शुद्ध मुनाफा उसे मिलता है, यानी 1 लाख पटाने पर 79,530 रुपए का मुनाफा होता है लगभग एक राइस मिलर को। 100 लाख पटाते हैं मिनिमम एक राइस मिलर, जिसमें उसे मुनाफा होता है 79,53,000 का, यानी जिसमें उसे मुनाफा होता है 90,53,000 का शुद्ध मुनाफा मिलर कमाता है, जिसमें अधिकारियों की साठगांठ होती है। देखा आपने, यह मुनाफा उस राइस मिलर्स का है जो छोटे राइस मिलर्स है, और बड़े राइस मिलर्स जो 300 से 400 लॉट पटाते हैं उनका मुनाफा बड़े पैमाने पर होता है। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे आखिर क्यों गोंदिया जिले के 21 राइस मिलर्स को 4,69,00,000 रुपए बकाया बाकी होने के बावजूद ग्राहक एवं अन्य नागरिक पुरोठा विभाग के वित्तीय सलाहकार एवं उप सचिव एस के उबाड़े ने क्यों अनुमति दी है, जानेंगे ब्रेक के बाद। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ।